दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आप ये सामने जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो मेरा नहीं है, मेरे एक सब्सक्राइबर का है। ये मोबाइल है J7 Nex J701F और इस मोबाइल में FRP लॉक था, ठीक है। तो मेरे सब्सक्राइबर ने बोला कि भाई मुझे इसे FRP अनलॉक करना है और मेरे पास सिर्फ ओनली मेडिकल बॉक्स है, तो क्या मेडिकल बॉक्स से इसका FRP अनलॉक होगा? तो हमने कहा भाई बिल्कुल होगा, चलिए हम आपको यहाँ से ऑनलाइन कर देते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मन्नन सर। सर मैं विवेक कुमार हूँ और जमशेदपुर से हूँ सर। मेरे एक मोबाइल में कस्टमर का मोबाइल आया था J7 Samsung J7 Next जो कि जिसमें FRP लॉक लगा हुआ था, और मन्नन सर को मैंने फ़ोन किया तो मन्नन सर ने, ये फ़ोन है सर, मन्नन सर ने ऑनलाइन मेरी हेल्प की अल्ट्रा व्यूअर के जरिए से FRP लॉक खोलने में। तो दोस्तों J7 Nex का FRP अनलॉक कैसे किया हमने अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन फाइल है, ठीक है। तो इस फाइल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो है आप इसे मेडिकल बॉक्स से FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं अभी सामने, तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर का कंप्यूटर है, ठीक है। और उसे हमने जो है अल्ट्रा वीवर सॉफ्टवेयर के माध्यम से कनेक्ट किया और उसके बाद तो उसके कंप्यूटर को हम यहाँ से चला रहे हैं। और उसके पास जो सिर्फ ओनली मेडिकल बॉक्स था, उसके अलावा उनके पास और कोई बॉक्स नहीं था। और उन्होंने हमसे फ़ोन पे कहा कि भाई क्या मेडिकल बॉक्स से इसका FRP अनलॉक होगा? सैमसंग J7 Nex J701F मॉडल है, इसका FRP अनलॉक होगा? तो हमने कहा जी बिल्कुल होगा, इसके लिए आपको एक कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करना होगा। उस फाइल की लिंक मैंने उसे दी और उन्होंने डाउनलोड किया, उसके बाद हम यहां से जो है उस मोबाइल का जो है FRP यहां से अनलॉक कर रहे हैं। तो चलिए आप यहां पर थोड़ा सा देख लें। तो दोस्तों कंप्रेसर फाइल था उसे हमने एक्स्ट्रा हेयर कर लिया, उसके बाद हमें सैमसंग टूल सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे हमें जो है रेड फ्लैश पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे हमें बूट पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। बूट पे क्लिक करने के बाद जो हमारा वो फाइल है कॉम्बिनेशन फाइल, ठीक है, तो उस फाइल को हमें सेलेक्ट करना होगा। तो डेस्कटॉप पर वो फाइल है, तो चलिए डेस्कटॉप पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन फाइल है, इस फाइल को हमने जो है सेलेक्ट किया, इसे हम राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस फाइल को हम जो है अपने इस मेडिकल टूल में जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें करना क्या है कि मोबाइल को ऑन करके लगा देना है अपने कंप्यूटर में, उसके बाद ऊपर वहाँ पे पोर्ट पे स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पे सैमसंग USB पोर्ट आ चुका है, यहाँ पे डाउनलोडिंग मोड सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे गो कर देना है, मोबाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट डाउनलोडिंग मोड पर मोबाइल को लगा सकते हैं, डाउनलोडिंग मोड पर ले जाकर के मोबाइल को डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जितनी भी फाइल है इन सभी फाइल की चेक आपको हटा देना है, ओनली आपको सिर्फ बूट इमेज फाइल की चेक लगाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बाकी किसी और फाइल से अगर आप फ्लैश करेंगे तो मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ, ठीक है। तो आपको सिर्फ ओनली बूट इमेज फाइल से फ्लैश करना है मोबाइल को, और कुछ ही सेकंड में आपका मोबाइल जो है फ्लैश हो जाएगा और आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली जो है रिस्टार्ट हो जाएगा। और रिस्टार्ट होने के बाद जब आपका मोबाइल ऑन होगा, उसके बाद अपने डिवाइस मैनेजर में ओपन करके आप यहाँ पे देख लेंगे कि आपका जो मोबाइल है वो जो जिसे आपने फ्लैश किया है कॉम्बिनेशन फाइल से बूट इमेज से, तो वो मोबाइल जो है ADB पोर्ट बना रहा है या नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करके आपको देख लेना है उस मोबाइल को, तो उसका एंड्रॉइड ADB इंटरफेस यहाँ पे जो है शो करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ मैं दिखा दूँ, इसका डिवाइस मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो डिवाइस मैनेजर मैंने इसका ओपन कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैमसंग का मोबाइल जो इसका यहाँ पे ADB पोर्ट जो है बना रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली सब फोन रिस्टार्ट हुआ, और रिस्टार्ट होने के बाद जो इसका मोबाइल ऑन हुआ तो ADB पोर्ट यहाँ पे जो है डिवाइस मैनेजर में शो कर रहा है। जब कंप्लीटली जो अस्थिर हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है, अभी आप यहाँ देख रहे हैं अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब ये कंप्लीटली जो है अस्थिर हो जाएगा पूरी तरह से तभी जो है आपको FRP रिसेट करना है, इससे पहले आपको नहीं करना है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बात, और जरूरी बात आपको बता दूं कि अगर मान के चलिए कभी भी आप इस कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करते हैं और अगर आपका मोबाइल लोगो पर अटकता है तो उसे आप हार्ड रिसेट कर देंगे तो मोबाइल जो है कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। तो चलिए अब इसका हम FRP अनलॉक करते हैं। तो FRP अनलॉक करने के लिए हम करना क्या है, यहाँ पे एंड्रॉइड टूल पर जाना है, एंड्रॉइड टूल पर जाने के बाद यहाँ पे ADB एक्स्ट्रा पर जाना है, और उसके बाद यहाँ पे सैमसंग FRP यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको चेक लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और FRP यहाँ से अनलॉक होगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे FRP अनलॉक होगा तो ये लिखेगा कि आपका फोन जो है रिबूट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन आपका फोन ऑटोमेटिकली रिबूट नहीं होगा, आपको जो है मोबाइल का बैटरी निकालना होगा, ठीक है। और बैटरी निकालकर दोबारा जब मोबाइल को आप ऑन करेंगे तो उसके बाद आपका मोबाइल का जो FRP अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।